कोरोना वायरस की महामारी से जूझने के दौरान इसे लेकर नए नए शोध जारी हैं। ऐसे ही एक शोध में फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव पर अपनाए जा रहे सोशल डिस्टेंसिंग के मॉडल को गलत बताते हुए दावा किया गया है कि पीड़ित मरीज की खांसी या छींक से कोरोना वायरस हवा में न केवल 8 मीटर दूर तक सफर कर सकता है बल्कि घंटों तक हवा में मौजूद भी रह सकता है। शोध में भारत समेत विभिन्न देशों में अपनाए गए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम में ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लोगों के बीच 1 से 2 मीटर नहीं बल्कि 8 से 9 मीटर तक की दूरी बनाई जाए। शोध की लेखिका और MIT की एसोसिएट प्रोफेसर लीडिया बाउरोबिया ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, खांसी या छींक के कारण पीड़ित के मुंह से निकलने वाली वायरस युक्त सूक्ष्म बूंदें 23 से 27 फुट यानी 7 से 8 मीटर तक ट्रैवल कर सकती है। हालांकि खोज में सामने आया है कि खांसी या छींक से हवा भरे हुए बादल बनते हैं जो परिवेशी वायु में दूर तक सफर करते हैं। इस बादल में विभिन्न आकार की बूंदें होती हैं जो अलग अलग दूरी तय कर हवा में पहुंच जाती हैं। तो अगर नए शोध के हिसाब से देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1 मीटर की बजाय ये दूरी बढ़ाकर 8 से 9 मीटर तक करने पर ही असली लाभ मिल सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।